डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्रूड का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक, लेकिन इसमें कभी भी आप इंट्राडे मत करिए। इसको कभी भी करना है आपको 1 आवर का कैंडल फॉलो करना है। जब वीवैप का लाइन 20 EMA को कट करेगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप कॉल बाई करेंगे। सेलिंग करने का सोचना ही नहीं है क्रूड ऑयल में, कॉल या पुट सेलिंग करने का, है ना। ट्रैप होंगे तो बहुत गंदा ट्रैप होंगे, फंस जाएंगे और पूरा कैपिटल साफ कर देगा। इसमें बाइंग करना है, सेलिंग नहीं करना। सेलिंग करना है या फ्यूचर बाई करना है तो फ्यूचर बाई कर सकते हो और फ्यूचर सेल कर सकते हो, लेकिन उसको भी इंश्योरेंस के साथ लेना है। अगर फ्यूचर बाई कर रहे हो तो पुट बाई करना है, ताकि अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट खुल गया तो पुट कम से कम आपका कुशन दे देगा। ओके सर। और फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो कॉल बाई करना है, है ना। क्योंकि क्रूड ऑयल का फ्लक्चुएशन कई बार ऐसा होगा ना कि एक दिन में 3000 पॉइंट गिर जाएगा खुलते बराबर। अगर आप कॉल सेल किए हो तो कॉल के लिए तो आपको 200 रुपये मिल, 200 पॉइंट ही मिलने वाला है, और मान लो 3000 पॉइंट गिर गया तो आपका पूरा कैपिटल साफ। इसीलिए फ्यूचर बाई करोगे या सेल करोगे उसके साथ इंश्योरेंस जरूर लेना। बड़ा टारगेट लेना, 300 पॉइंट से कम का टारगेट कभी नहीं लेना क्रूड ऑयल में। 300 पॉइंट मिलेगा हर एक बार, सिग्नल जब भी मिलेगा 300 पॉइंट मिलेगा। कई बार क्या होगा कि आपका 200 पॉइंट प्लस होने के बाद नीचे आ जाएगा, न्यूट्रल लेवल पे ही आपको एग्जिट कराएगा, तो वो एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। हृदय सर, गॉट माई वर्ड्स? यस यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में आपको 100% प्रॉफिटेबल ही होंगे जितने लोग भी क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। द ओनली थिंग, दे हैव टू फॉलो 1 आवर कैंडल। व्हेन ईएमए वीवैप लाइन विल क्रॉस ईएमए लाइन इन इधर डायरेक्शन, अकॉर्डिंगली दे विल मेक दियर पोजीशन एंड दे विल होल्ड दियर पोजीशन फॉर एटलीस्ट 300 पॉइंट्स टारगेट मिनिमम। ऊपर में बढ़ा सकते हैं टारगेट, मिनिमम टारगेट इज 300 पॉइंट। अगर आप में उतना धैर्य है, उतना रुक सकने का, तभी क्रूड ऑयल में करिए। 5 मिनट का कैंडल लगा के 100 पॉइंट के लिए मत आइए क्रूड ऑयल में, वो फिर आपको दिमाग ही खराब करने वाला है, पैसा वैसा बनने वाला नहीं है। 100 पॉइंट का टारगेट वाले लोग बिल्कुल क्रूड ऑयल में ना ट्रेड करें। कम से कम 300 पॉइंट मिनिमम आप बेंच मार्क रख लो, ठीक है। देव प्रकाश जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। क्यों करोगे, क्यों करोगे, जरूरत क्या है? जब आपको डायरेक्ट पैसा बना दे रहा है तो क्यों स्ट्रेटेजी में दिमाग लगाना है? कल कहाँ पे सिग्नल दिया इसने बाइंग का? कौन सा टाइम? टाइम बताओ ना। मैं क्या बोला, कौन सा एंगल है यहाँ पे, एंगल क्या है? ब्रेक किया है, नहीं किया है ना, CPR के नीचे जस्ट है और वो जस्ट टच किया, कंसोलिडेशन में है। एंगल चाहिए बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे एंगल दिख रहा है ना आपको फ्लैट, वहाँ से एंगल होना चाहिए कुछ, मतलब शार्प कैंडल होना चाहिए क्रॉस करने वाला, है ना। तो ये गलती नहीं करना। अगर आप फ्यूचर बाई करते हो तो साथ में पुट बाई करना है, और फ्यूचर सेल करते हो तो कॉल बाई करके रखना है, क्योंकि आपका पोजीशन आप कैरी ओवर करने जा रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, है ना। और अगर सीधा कॉल और पुट बाई करना है तो आँख बंद करके कॉल और पुट बाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी सिग्नल मिला था ना, एक्चुअल में सिग्नल तो ये मिला था, एंगल यहाँ पे, ये फिर फ्लैट है, इसको मत मान लेना, है ना। यहाँ पे शार्प एंगल मिला, शार्प एंगल मिला 6265 के लेवल पे, और अभी भी कंटिन्यू है डाउनफॉल। 500-600 पॉइंट हो गया ना, कितना दिन हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन, 5-6 दिन, बीच का 2 दिन छोड़ दो ना, ट्रेडिंग डे का देख लीजिए, है ना। तो वही बोल रहा हूँ, 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में आपको मिल गया पैसा। 25,000 भी लगाए रहते तो 75,000 हो गया होता वो,
है ना। तो जब भी आप लोगे, 1 आवर का कैंडल फॉलो करोगे, कॉल और पुट सेल नहीं करोगे क्रूड ऑयल में। सेलिंग करना है उससे अच्छा है फ्यूचर बाई कर लो या फ्यूचर सेल कर दो, और उसको हेजिंग के लिए एक पोजीशन ले लो हेज के लिए। फ्यूचर बाई करते हो पुट बाई कर लो, 100 पॉइंट इन द मनी का पुट बाई करके रखो, क्योंकि सिग्नल तो आपको अपसाइड का मिला है तो आप तो श्योर हो ऊपर जाएगा, फिर भी 100 पॉइंट नीचे का पुट एक इंश्योरेंस के लिए आप बाई करके रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर बाई कर रहे हो तो आपको मार्जिन ही क्या है, 2.5 लाख एक लॉट के लिए लगता है, 2.5 लैक्स, तो फिर 25,000 रुपये फंसा के रखने में क्या बुराई है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है अरविंद जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस 1 आवर सेटअप में एग्जिट कैसे प्लान करना है? व्हेन वीवैप लाइन विल रिवर्स इन डायरेक्शन देन यू हैव टू एग्जिट, अदरवाइज यू हैव टू होल्ड योर पोजीशन, देयर इज नो एग्जिट प्लान। दैट विल बी सेम टाइम आई विल आल्सो मेक फ्रेश ऑपोजिट साइड का सेटअप एंट्री। पार्डन आई कुडंट अंडरस्टैंड। मतलब आपने बोला कि अगर मैं लॉन्ग हूँ अभी के लिए, फ्यूचर बाय किया हूँ हाँ, पुट बाय किया हूँ, उसके बाद अगर वीवैप ईएमए के नीचे आ गया तो एग्जिट, मुझे वो सेटअप एग्जिट करना है। एग्जिट 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 वही है एंट्री, फ्यूचर शॉर्ट और पुट कॉल बाय करने के लिए भी वही एंट्री है। सेम 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 सेम। ओके ओके। और दूसरा चीज ये है कि मैं 1 आवर का कैंडल यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, खाली वीवैप और ईएमए का ही क्रॉस ओवर का वेट करता हूँ। यस यस यस, दैट ओनली यू हैव टू डू। यस ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ये वंडरफुल स्ट्रेटेजी है, मतलब बहुत ही पावरफुल है एक्चुअली, है ना। आप करके देखो, 2 महीने करके देखो, यू विल हैव बिग प्रॉफिट एंड यू विल थैंक मी। ओके ग्रेट। राजेश जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। राजेश निम्बार्क जी। हाँ सर। सर ये क्रूड ऑयल मेरे लिए एकदम नया है, तो उसमें मेरे 2 बेसिक क्वेश्चन है जी। एक तो ये है कि कितने का एक लॉट रहता है, मतलब कितनी क्वांटिटी रहता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ रहता है, वो लॉट आप देख लेना, नहीं तो सुमित यादव जी जो ग्रुप के मेंबर है, हेल्प ले लो यार एक दूसरे से। 100 क्वांटिटी होता है, 100 into उसमें मल्टीपल ऑफ 1000। ढाई लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया एक लॉट के लिए, 2.5 लाख रुपये के आसपास जी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर, ये इसकी भी क्या निफ्टी की तरह वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है? नो, मंथली और बाई मंथली, एक महीना कई बार 2 महीने में एक्सपायरी मिलेगा आपको। करंट मंथली, करंट एक्सपायरी का ही लेना, जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसी का ट्रेड लेना, अगर आप कॉल और पुट बाई कर रहे हो तो। पर इसका मंथ और मंथली एक्सपायरी और निफ्टी का सेम ही नहीं रहता? नहीं अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है निफ्टी से, ये अलग एक्सचेंज है ना, ये MCX में चलता है, कमोडिटी एक्सचेंज है ना, इसका एक्सचेंज ही अलग है, इसका अपना अलग शेड्यूल है। अच्छा जी सर, ओके ग्रेट। चंद्रशेखर जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक सजेशन है। जी 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 बोलिए सर। ये समय ना तो फ्यूचर खरीदे ना तो कुछ करें, सीधा कॉल और पुट बाय करें, 10,000-15,000 जो लगे उसको लगा के पॉजिटिव। वो तो मैं खुद ही सजेस्ट कर रहा हूँ ना, आई एम ऑल्सो इन द सेम फेवर। 2.5 लाख 3 लाख लगाने से 24 घंटा दिमाग से चला जी। कॉल पुट बाई करो, बिल्कुल सिंपल सेटअप है, कॉल पुट बाई करो भाई, आपका मैं हफ्ते 2 हफ्ते में पैसा डबल हो रहा है, और क्या चाहिए। दस हजार वाला मत करिए, कम से कम मतलब 20,000 वाला तो करिए, मतलब आउट ऑफ द मनी में, फार आउट ऑफ द मनी मत जाइए, कम से कम 200 पॉइंट 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आप जा सकते हो, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जा सकते हो, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाइए, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। कैलाश जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। सर बेसिकली ऑप्शन अगर करेंगे तो कॉल भी बाय कर लेंगे और पुट भी बाय कर लेंगे साथ में। नहीं नहीं सिंगल कॉल बाई किया तो कॉल बाई करके होल्ड करना है उसको, जब तक कि आपके फेवर में 300 पॉइंट ना चला जाए, और तभी बाई करेंगे जिस समय क्रॉस होगा
दूर जाने के बाद नहीं करना है। अब यहां से मान लो यहां पे आ गया, यहां पे करोगे तो आपका हिम्मत ही टूट जाएगा ना, क्योंकि आपके अगेंस्ट में, मतलब आप जिस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं वहां तो ऑलरेडी 300 पॉइंट मूव हो चुका है। अब यहां पे बीच में एंट्री नहीं करना है, इसमें एंट्री तभी करना है जिस समय वो सिग्नल देगा। बीच में एंट्री करोगे धोखा खा जाएंगे इसमें, है ना जी। जैसे अब नई एक्सपायरी शुरू होगी सर 18 तारीख से, हाँ, तो उसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या जी, 50,000 रुपए का दोनों कॉल पुट बाय करके रख लेते हैं एक महीने के लिए, क्या था बिग मूव दे दे। नहीं वो सब मत करिए, क्रूड ऑयल का जो सिचुएशन है ना वो 500 पॉइंट ऊपर, 500 से 1000 पॉइंट ऊपर नीचे ही मूव करता है, ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो वो दोनों आपका प्रीमियम गल जाएगा, आपको दोनों जगह से प्रॉफिट नहीं होगा। जो बोल रहा हूँ उतना फॉलो कर लो ना एक बार। जो कॉल या पुट लेना है वो एट द मनी लेना है, इन द मनी? नो, आउट ऑफ द मनी। 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी या 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी करना है, ताकि वो डबल हो जाए, कम से कम आपके फेवर में 300 पॉइंट जाएगा तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, जो भी कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया है। ओके, हो जाता है वो। सर एट द मनी वाला जो अभी मैं देख रहा था, मैंने किया नहीं है कभी, 85 रुपीस दिखा रहा है, तो 100 का लॉट है तो 8500 का इन्वेस्टमेंट है। जी 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 8500 इन्वेस्टमेंट ओनली। बट इट्स एक्सपायरी इज जस्ट 5 days अवे, दैट्स वाई इट्स प्रीमियम इज शोइंग वेरी लेस वैल्यू। बट नॉर्मली क्या होगा कि आप जब 18 तारीख के बाद करेंगे, 17 को एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट करेंगे ना तो वो आपको एट द मनी जो है वो 200 के आसपास में मिलेगा, है ना। तो आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ द मनी में 100 पॉइंट 200 पॉइंट, नॉट 500 पॉइंट अवे, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी तक जा सकते हैं, एंड यू वुड बी कंफर्टेबल एट 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, दैट वुड बी द बेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।